होंगे। तो ये मीटिंग बहुत ही अहम मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर मानी जा रही है। क्या कुछ इस मीटिंग से निकलकर सामने आता है, नजर इस पर रहेगी। और जाहिर तौर पर कांग्रेस के संगठन से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और जो सह प्रभारी हैं तीन राजस्थान के, वो शामिल होंगे। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, बिल्कुल चर्चा में ये खबर। और अब चर्चा में कल होने वाली ये मीटिंग, पीसीसी चीफ मौजूद रहेंगे गोविंद सिंह डोटासरा, और इस मीटिंग को कॉल किया गया, इस मीटिंग को बुलाया गया है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से। लवली वाधवा का रुख करेंगे, जयपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात करते हैं। लवली, ये मीटिंग मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम अगर राजस्थान के देखें और 13 मई को आने वाले कर्नाटक के नतीजों को देखें, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो भी दिल्ली में बैठक बुलाई है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा रविंदर। देखिए, पूरी तरीके से इस मीटिंग को पहले से तय किया गया था कि जो नए सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनके साथ में बातचीत होगी, एक डायलॉग होगा, और कोशिश की जाएगी कि राजस्थान के अंदर जो बीजेपी ने काम किया है उसे जमीनी स्तर पर जनता तक ले जाने के लिए प्रभारियों के साथ में कांग्रेस जो है अपने संगठन के साथ में जान झोंकेगी। लेकिन उस बीच में इन्हें नहीं पता था कांग्रेस को कि अचानक सचिन पायलट की पदयात्रा जो है वो अजमेर से शुरू होगी, जयपुर का रुख करेगी। इन तमाम इश्यूज को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण बैठक दोपहर में 12 बजे जो है वो दिल्ली के अंदर होने जा रही है। इस बैठक के अंदर संगठन के कामकाज के अलावा, सत्ता संगठन के तालमेल के अलावा, जो बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से मुखर हुए हैं लगातार सचिन पायलट, इन तमाम इश्यूज पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं उनके साथ में एआईसीसी के जो तीनों सह प्रभारी हैं जिन्हें राजस्थान के अंदर उनके अंदर जो अटैच करके नियुक्त किया गया वो भी मौजूद रहेंगे। राजस्थान से प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे, उनके साथ में कुछ पदाधिकारी और भी मौजूद रह सकते हैं। और इस बैठक में सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है, देखिए राजनीतिक घटनाक्रम है, इससे हम बच नहीं सकते कि राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हैं, कांग्रेस भले ही महंगाई राहत के नाम पर और आम जनता को जागरूक करने के नाम पर, वोटिंग वोटर अवेयरनेस के नाम पर सरकार के कामकाज के लिए काम करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही जो डिप्टी सीएम रहे हैं वो जनता के बीच में जाकर के करप्शन की बात कर रहे हैं और करप्शन की इशू को लेकर के इतनी बात कर रहे हैं कि वो पदयात्रा तक निकाल रहे हैं। उनके साथ में कांग्रेस के संगठन के लोग भी, कई लोग जो है वो उनके साथ में नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक कल दिल्ली में होगी, आलाकमान से राय बछोरा किया जाएगा। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बैठक के बाद जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि पूरे मामले पर आलाकमान की नजर है और आलाकमान का जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। सीधे तौर पर उन्होंने आलाकमान के नाम का निर्देश का जो है मैसेज जो है वो देने की कोशिश की, यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की तस्वीर ना हो, जिस कार्यक्रम के अंदर कांग्रेस के हाथ का निशान ना हो, वो कार्यक्रम यात्रा कांग्रेस की नहीं हो सकती। तो ऐसे में कल वाली मीटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस मीटिंग के बाद में सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो बयान आएगा वो जाहिर तौर पर उसका सभी को इंतजार है जी। और जाहिर तौर पर बिल्कुल सही बात आपने कही। और सुखजिंदर सिंह रंधावा को जैसा कहा गया था कि पहले कोई बयान हाल फिलहाल में नहीं दे रहे हैं, और सुखजिंदर सिंह रंधावा इस दौरान शांत भी रहे। फिलहाल आपका शुक्रिया, और कल जो 12 बजे की मीटिंग होगी नजर रहेगी, न्यूज 18 राजस्थान की, बताएंगे क्या कुछ इस बैठक में अंदर हुआ, किस तरह से बाहर निकलकर आधिकारिक तौर पर बात सामने आ रही है और क्या पर्दे के पीछे चर्चा हुई, ये भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए गुरुवार को आज अपनी जनसंघर्ष यात्रा शुरू कर दी है।